आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए मेरे गुरु की कर्म भूमि भी रही है सदा रहेगी। इसलिए आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, जिन्होंने उन्हें अशेष बार सुना है, जिया है, आप सभी मेरे लिए अभिनंदन योग्य। आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात यह है कि आज दादा ने मुझे याद किया, और इसलिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि हम काशी के ऐसे संबंध से, ऐसे रिश्ते से बंधे हुए हैं कि जिन गुरु परंपरा से दीक्षा, शिक्षा, थोड़ी बहुत जानकारी, समझ जीवन की और सुर की पाई, उन्होंने पूरा जीवन साथ गाते बजाते बिताया है। श्रद्धे अप्पा जी ने, महाराज जी ने, मैं श्रद्धे पंडित किशन महाराज जी को भी प्रणाम करते हुए आज ये मानती हूँ कि ये आज वो दोनों ही यहाँ कहीं देख रहे होंगे कार्यक्रम, तभी ये सुंदर संयोग सजा है कि आपने दादा बुलाया और आज आप तबले पर हैं, मैं गा रही हूँ। गुरु परंपरा और काशी इस तरह से जुड़ा है कि पंडित धर्मनाथ मिश्र जी हैं हारमोनियम पर, और अप्पा जी हमारी गुरु के प्रथम गुरु पंडित सरजू प्रसाद मिश्र जी की आप पौत्र हैं, तो एक तरह से गुरु घराना है। और आज कार्यक्रम की शुरुआत भी एक ऐसी ठुमरी से कर रही हूँ जिसे आपके पर बाबा यानी अप्पा जी के प्रथम गुरु पंडित सरजू प्रसाद मिश्र जी के पिताजी, एक बार वे रूठ कर कलकत्ता चले आए। बनारस कलकत्ता का तो संबंध रूठने मनाने का बहुत समय से चला रहा है। वो रूठ कर चले आए तो पंडित जी की माँ जी यानी आपकी परदादी, हमारे गुरु की, प्रथम गुरु की माँ मुनक्की देवी, उन्होंने तब यह ठुमरी अपने पति के जाने पर कही थी, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ राग मिश्र खमाज में। आज्ञा लेती हूँ दादा, आज्ञा। Yeah.
बाकी चितवन
अगली चीज जो सुनाने का जी हुआया वो इसलिए क्योंकि इस पर महाराज जी ऐसा ठेका बजाते थे और उनका ये शताब्दी वर्ष है जो हम सब बड़े सम्मान के संग मना रहे हैं। और अभी वो हाथ वो बात सिर्फ विधि है, गगरिया कांदे गगरिया रे कांदे, हाय गगरिया कांदे गगरिया।
अरे बाकी बाकी अरे बाकी चित्त मनस घायल कर रे जमाजम जमा अरे बाकी देख
मध्यम रहे गई आए
कान्हा को ही सुना रही हूँ, जब से सुना रही हूँ। माधव पिया छवि दिखला जब बाके सवरिया सब कान्हा है। मैं आपकी बात अप्पा जी ने हमें तब सिखाई थी जब हम कार्यक्रम देने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे, और गया के बहुत बड़े विद्वान रामू जी, उनकी रचना है। तुमको आने में, तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजिना, तुमको आने
जीरा न फेंके दाग है दिल में मन की उमंगो को रोके सुनाने में कही सावन बरस गई साजन को आने में तुमको बुलाने में कही सावन बरस गई साजन तुमको आने में डर से
गले लिपटे गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से इलाही घटा दो चार दिन तो बरसे तुमको आने आप लोग सुन रहे हैं, ये बिल्कुल ठेठ बनारसी राजस्थानी का स्टाइल है और इसमें चाहे तबले वाले, सरंगी वाले, हारमोनियम वाले जो भी है, संगत में कितना भी वो तिरकेट धिरकेट उड़ा ले स्पीड, उससे कोई आएगा जाएगा नहीं। जगह देखना चाहिए, गाने के साथ जाना चाहिए, उठन बैठन क्या है ठेका का और गाने का ये समझ के बजाना चाहिए और उसमें वाणी भी इस तरह फिट हो कि गाने के साथ वो एक साथ जाए, ये सोचने वाली बात है। और इस सब्जेक्ट के साथ बजाने का जो है भाषा का मजा, साहित्य का मजा, ये समझना चाहिए और तरीका जो है वो तालीम में लेना चाहिए। आज के दुनिया में हम लोग को गुरु ऐसा मिला है, हम सभी को, जो कि ये हम लोग जान भी पाए हैं और सुने भी हैं।
लेकिन हमारे बाद का पीढ़ी का अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि माफ करिएगा, बहुत कम लोगों में ये सब जानकारी है, ये सब चीज़ें जो है ये जा रहा है। इसको रोकने वाले यही एक दो है कलाकार अभी हिंदुस्तान में जो इसको कर जा रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत दुआ करिए कि इनका आयु बहुत लंबा हो और बहुत आप लोग सुनिए और मजा लीजिए। एक मैं संक्षेप में दो चीज़ें सुनाऊंगी, समय कम है मुझे पता है, लेकिन इन्होंने चूंकि फरमाइश कर दी है बिटिया रानी ने, तो एक जो अभी इन्होंने मुझे मोबाइल पे सुनाई मैं वही कजरी सुना दे रही हूँ। और ये खास बात है कि ये भी अप्पा जी ने सिखाई है, वे मंच पे नहीं गाती थी, लेकिन हमारे यहाँ बनारस में बड़े गुणी गायक हुए हैं पंडित हीरालाल यादव जी, पंडित मैं लगा रही हूँ उनके आगे, पद्मश्री से सम्मानित हुए अपने जीवन प्राण छोड़ने से कुछ समय पहले। उनकी गाई बड़ी प्रसिद्ध कजरी है। अप्पा जी ने हम लोगों को सुनाते हुए ये कहा जो आप बात कह रहे हैं, और मैं एक बात बोल रही, बनारस घराना ही एक ऐसा घराना जहाँ लोक शास्त्र को एक आदर एक सम्मान है और कहीं नहीं, बाकी सब भेदभाव करते हैं, लेकिन काशी में जितने आदर से धमार ध्रुपद टप्पा सुनेंगे वैसे पूर्वी भी सुनेंगे, वैसे चौमासा सुनेंगे, वैसे ही बारहमासा सुनेंगे। अप्पा जी ने ये चीज़ें जब ली बड़ों से, और सोचे बिरहा गाते थे कजरी गाते थे, उनसे ली, लोक कलाकार थे, और हम लोग को भी सिखाया कि देखो तुम्हारी रुचि है ग्रामीण अंचल की चीज़ों में तो तुम इसको लो। तो आपकी फरमाइश पर सुना करके फिर एक किसी और रचना से समाप्त करूंगी, बस एक अंतरा सुना। कहवा से आवेला किसन कन्हैया हो, अरे कहवा से आवेला किसन कन्हैया रे पड़ेला जीर जीर बुनिया, कहवा से आवे राधा कोरी पड़ेला जीर जीर बुनिया, कहवा से आवे राधा कोरी पड़ेला जीर जीर बुनिया, कहवा से आवे राधा कोरी पड़ेला जीर। गोकुल से आवेला किसन कन्हैया हो, गोकुल से आवेला किसन कन्हैया रे पड़ेला जीर पड़ेला जीर जीर बूंदिया, बरसान से आवेला ना गोरी पड़ेला जीर जीर बूंदिया, बरसान से आवे राधा गोरी पड़ेला जीर जीर। Yeah.
हरिके रे झूले हरिके शुरू के जो राग है एलिमेंट्री तीन सुर में सब कुछ है दस रे सरे दस धरे दस पदे सारे दस धरे धरे दस कजरी के मुख्य वही सब है लेकिन गायन के कहन से सब अलग लगता है कहवा से आवे राधा गोरी पड़े ना जीर जीर कहवा से आवे राधा गोरी राधा रे गोरी राधा अरे कान हाँ सारे झूलों में आता है यहाँ क्या सुंदर श्रृंगार लोक कल्पना है राधा झूले अरे कान हाँ झूला झूला समापन में
गंगा रेती पे बंगला अरे गंगा रेती पे बंगला छवा द मोरे राजा छवा द मोरे राजा आवे लगर जमुने की आवे लगर जमुने की गंगा रेती गंगा गंगा रेती पे बंगला छवा द मोरे राजा छवा द मोरे राजा आवे लहर जमुने की आवे लहर जमुने की आवे बंगला छवाया मोरे मन भाया बंगला छवाया मोरे मन भाया मोरे मन भाया मोरे मन भाया बंगला छवाया मोरे मन भाया अरे बंगला छवाया मोरे मन भाया मोरे मन भाया मोरे बंगला अप्पा जी की जो अंतिम कुछ सीख थी उनमें ये सीख थी ये
दादरा, जाने के 2 महीने पहले घर आई थी और घर पे ही रुकी थी। और उस दिन बड़ा एक कमाल हुआ कि 4-5 बंदिशें एक साथ उन्होंने सिखाई, मैं और सुनंदा साथ थे। उसमें ये भी बताया, और मैं जब जब गाती हूँ तो मैं इस साहित्य पे बहुत सोचती हूँ, गंगा रेती पर बंगला छवा गया, ये फरमाइश वही कर सकती जिनके अरमान टूटे हैं, क्योंकि रेत पे कभी बंगला छवाया नहीं जा सकता। प्रतीक्षा, साध, धोखा, फरेब, पीड़ा जिनसे उपजे हैं ये बंदिशें, बंगला छवा दिया। अच्छा भाई, खिड़की भी देखूं तो, और क्या देखना है, खिड़की कटवाया मोरे मन भाया, खिड़की कटवाया मोरे मन भाया, खिड़की कटवाया मोरे मन भाया, मोरे मन भाया, मोरे मन भाया, मन भाया, मोरे मन भाया, मोरे खिड़की करवा दूंगी उतार, अरे